गाइस, दिस इज़ यामा वाईबी 100। और वेल, आज के एक अनदर वीडियो में मैं आज आपके साथ हूँ। और वेल, आज की जो वीडियो है वो भी एक रिव्यू वीडियो होने वाली है। और रिव्यू वीडियो जो है एक बिल्कुल एक अजीब व गरीब एक मोटरसाइकिल के हवाले से है। और ये मोटरसाइकिल भी अगर इसको हवाई जहाज़ के साथ अगर इसकी मुनासबत की जाए तो इसको बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये भी एक किस्म का छोटा किस्म का हवाई जहाज़ है, क्योंकि इसको मैंने खुद चला के देखा है और मैंने खुद इसको ट्राई किया है। और वाकई में अभी इसको अगर हवाई जहाज़ का नाम दूं तो इसमें कोई शक नहीं कि वाकई ये बिल्कुल एक हवाई जहाज़ की तरह जो है वो चलती है। और इसके रिव्यू आज मैं आप लोगों के साथ करूंगा। और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि इस मोटरसाइकिल के अंदर जो इसके ओनर हैं उन्होंने इसके अंदर जो है वो क्या क्या चेंजिंग की है, और स्टैंडर्ड किस तरह आ रही थी, और अब इसको जो अल्टरेशन करने के बाद जो है इसमें क्या क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, तो वो भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और वेल, ये वीडियो सिर्फ स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि इस चैनल पर न्यू हैं और अपनी मोटर बाइक्स को अल्टरेशन करने का जो उनको बहुत शौक़ है, तो आज मैं आप लोगों को बिल्कुल इस वीडियो में इस बाइक का कंप्लीट रिव्यू दूंगा। और आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसके अंदर जब एक बंदा जब नया नया अल्ट्रेशन करने लगता है अपनी मोटरसाइकिल को तो उसको बेसिक किन किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, और उसको क्या क्या जो चीज़ें हैं वो मार्केट से उसको ढूंढनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें जो हैं उसको मार्केट से ईज़िली मिल जाएंगी, और कौन कौन चीज़ें उसको मार्केट से ईज़िली अवेलेबल नहीं होंगे। तो वेल, खुश आमदीद कहूँगा उमर साहब, आपको कैसे हैं आप? व्यूवर्स को एक मोटरसाइकिल कौन सा है, कौन सा मॉडल है और कौन सी कंपनी है ये? ये होंडा CD70 है। ये होंडा CD70 और ये 2016 मॉडल है। अच्छा, जैसे कि नज़र आ रहा है सामने कि आपने शुरू में मुझे कहा था कि रमान भी मैंने इसको अल्ट्रेशन की हुई है जी। तो ज़रा आप बताइएगा कि इसमें क्या क्या आपने अल्ट्रेशन की हुई है, और इसे क्या फ़ायदा हो रहा है, और इसकी परफॉर्मेंस में वाकई कोई फ़र्क आया है या नहीं आया? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जब इसको नया ख़रीदा जाता है तो ये 72 होता है। तो अभी जो है अगर आप घुमा के दिखा सकते हैं तो ये 107 है। बिल्कुल वाजिया तौर पर यहाँ पे 72 होता है, ये 107 है, 107 है। अच्छा, तो इसको मैंने इसमें सिलेंडर चेंज किया है। अच्छा, अंदर का कनेक्टर चेंज किया है, और इसमें पिस्टन बड़ा डाला है। अच्छा, इसमें जो राड होते हैं वो नए डाले, और ये क्या बोलते हैं 125 का कार्बोरेटर डाला हुआ। अच्छा, और कार्बोरेटर के अंदर मैंने बड़ा जेट डाला हुआ है जो कि ज़्यादा पेट्रोल खाता है लेकिन ज़्यादा स्पीड देता है। ये 125 का हड्डी भी आपको साथ ही डालना पड़ेगा। अच्छा, 125 की हड्डी भी लाजमी साथ डालनी पड़ेगी। अच्छा, जब आपने मोटरसाइकिल लिया तो शुरू से आपका यही था कि भाई मैंने इसको लेकर अल्ट्रा करना है, और मैंने इसको क्योंकि मैंने आपको काफ़ी दफ़ा देखा है, आप रेसिंग वगैरह करते हैं, रेसिंग का शौक है आपको, तो आपने शुरू से इसको ये माइंड में रखा था कि जब मैं इसको ख़रीदूँगा तो इसको अल्ट्रेशन करनी है मैंने इसकी? जी हाँ, रखा हुआ था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सुना था कि जब आप होंडा को बनाते हो तो ये बहुत अच्छी पिक देती है आपको। अच्छा जी। अच्छा, ओवरऑल अभी इसकी क्या परफॉर्मेंस है, कैसी स्पीड है इसकी? इसकी बहुत अच्छी स्पीड है। पहले अगर एक मवाजना किया जाए, एक सिंपल एक 125 है, स्टैंडर्ड 125 है यानी, और एक स्टैंडर्ड यामा है जिसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुई, तो क्या ये उसको पीछे छोड़ सकता है या नहीं? यामा को तो छोड़ देगा, 125 के तकरीबन साथ आ सकता है। 125 के तकरीबन साथ में आ सकता है। अच्छा, इसकी लेकिन इसके गियर भी बड़े किए हुए हैं मैंने, इसमें जो गरारी सेट है अल्ट्रेशन वाला डाला है, और इसके आम गाड़ी से गियर जो है बहुत ज़्यादा बड़े, अगर उसका तीसरा होगा तो ये दूसरे में उसको दे सकते हैं। अच्छा, यानी आपने इसकी जो यहाँ पर गरारियाँ आती हैं वो भी आपने रेसिंग गरारियाँ डाली हैं? अच्छा, पूरी गरारियाँ सेट जो है वो नया डाला हुआ है। अच्छा, इसके अलावा आपने शॉक्स पर रैप भी करवाया हुआ है जी। अच्छा, मैं एक दफ़ा इसको दोबारा घूम के दिखाता हूँ आपको, देखने में तो काफ़ी एक नाइस और सोबर मोटरसाइकिल लगती है। अच्छा उमर भाई, इसके अलावा जो अगर मिसाल तौर पे इस चैनल के तवस्त से जो लोग अपनी मोटरसाइकिल को अल्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो मैं उनको ये कि शुरू में जो बेसिक चीज़ें होती हैं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं कि उनको इस चीज़ के ऊपर जो है वो नज़र रखनी चाहिए कि भी अगर वो एक बाइक को अल्ट्रेशन करना चाहते हैं, सामान जब आपने ढूंढना चाहा तो इज़िली इसको अवेलेबल था सामान? बिल्कुल ईजीली था, आपको किसी भी बड़ी दुकान से मिल जाएगा। अच्छा, और ये भी जानना चाहते हैं लोग मेरे के, जब आप एक किस्म की बाइक अल्टर करते हैं तो इस पर ओवरऑल कितना खर्चा आता है, कितनी कॉस्ट एस्टिमेशन आती है? तकरीबन आपको ये 10,000 रुपये लग जाएंगे, ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी हो सकता है। अच्छा, 10,000 एक स्टैंडर्ड 10,000 रुपये? एक 10,000 रुपये आपको तकरीबन चाहिए, एक 10,000 रुपया। अच्छा, अगर इसके अलावा अगर मैं इसको और थोड़ा सा ऊपर लेकर जाऊँ पी के ऊपर, तो अगर आप इसके अंदर कोई चीज़ें और चेंज करना चाहेंगे तो क्या चेंज करेंगे इसके अंदर? और तो तकरीबन ये कुछ भी नहीं मांगता कि चेंज किया जाए, तकरीबन जो चेंज हो सकता था मैंने सब कुछ इसमें वो किया। अच्छा,
इससे ज़्यादा अभी कुछ वो उस्ताद बोलते हैं कि 5 गियर वाला बना देंगे, लेकिन आप सब जानते हैं कि लेकिन जब ये अल्टर हो जाएगी तो 4 गियर, जब इसका जो एक गाड़ी का तीसरा गियर होता है ना, वो आपको स्पीड देता है, ये चौथे में भी वही देगा, और आप चौथे के बाद ये 5वां गियर मांगेगा जैसे तीसरे के बाद चौथा मांगता है, लेकिन कोई भी इसके अभी 5 गियर आप करोगे तो वो मज़ा नहीं रहेगा। अच्छा, इसके अलावा मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो इसके यहाँ पर जो करंट देने वाली जहाँ से प्लग वायर आ रही है उसको भी बड़ा वगैरह करवाते हैं, उसको 1/5 का सेट करवाया होता है उन्होंने। नहीं, वो कुछ वो नहीं होता है। अच्छा, इसके अलावा वायरिंग वगैरह का क्या प्रोसीजर है, आपने वायरिंग वगैरह के साथ क्या किया हुआ है? वायरिंग मैंने जो है अपने पूरी बाइक में बिल्कुल ये एक वायर डाली हुई, ये जो है ये कार्बेटर की है। अच्छा, तो ये पूरी एक वायर है जो पूरे कम इसमें जा रही है मोटरसाइकिल में, हर चीज़ का वायर कनेक्शन इसी में है। मैंने जो इसकी फालतू वायरिंग थी जो कंपनी से आई थी वो मैंने सब निकलवा दी। अच्छा, यहाँ पे उमर भाई एक सवाल ये भी आता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसी मोटरसाइकिलों का स्टाइल को पसंद करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो इस मोटरसाइकिलों को पसंद नहीं करते, तो इन दोनों लोगों के लिए आप क्या कहेंगे इस चैनल के तहत? तो जो लोग पसंद करते हैं उनको आप क्या कहेंगे कि ये शौक रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? अभी ये तो हर बंदे का अपना होता है कि जो शौक कर सकता है वो करेगा और जिसको नहीं पसंद है वो नहीं करेगा, लेकिन मुझे पसंद था तो मैंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर पैसे लगाए। अच्छा, अभी आगे भी आपका कोई इरादा है इस पे और खर्चा करने पे? वो तो मैं हर बार इस पे करता हूँ, स्पेशली जब ईद आ जाती है और या कोई रेस वगैरह हो तो इसको बना के लेके जा, लेकिन जब अल्ट्रेशन आप कर लेते हो तो हर महीने इसका मोबाइल चेंज और ट्यूनिंग आपको करवानी पड़ती है। वो मस्त है, हर महीने 2 महीने बाद भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं जो मैं ज्यादा ख्याल रखता हूँ तो मैं हर महीने करवा लेता हूँ। अच्छा, तो एट लास्ट आप 2 महीने से ऊपर जाएंगे तो फिर वो थोड़ा पिक का मज़ा नहीं आता। अच्छा जी, यानी फिर परफॉर्मेंस। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक बड़ा सवाल आता है, पेट्रोल आप आम यूज़ कर रहे हैं या कोई हाई ऑक्टेन वगैरह डालते हैं? नहीं, आम ऑयल यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, नॉर्मल है। अच्छा, तो लेट लास्ट में मैं यही चाहूँगा कि आप इसकी एक आवाज़ की झलक दिखाएं और वो मोबाइल वगैरह चेंज करते हैं तो उसके साथ जो प्लग है वो लाजमी चेंज करें। अच्छा, प्लग यानी एक नहीं रखना? नहीं। तो बहुत शुक्रिया गाइज़, आई होप कि आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा। इसी तरह के मज़ीद कंटेंट्स में लाता रहूँ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।